ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में शिकस्त देकर दुनिया को पैगाम देना है कि हम T20 रैंकिंग में नंबर वन हैं। कैंगरूज को दबोचने के लिए शहीनू ने पेस बैटरी को चार्ज कर लिया। पेस बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 घंटे की जान तोड़ कोशिश की गई। पहले मैच में 3 बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। मिस बॉल हक ने कहा कि हम फुल उम्मीद से जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को हराएं। कौन सी 3 तब्दीलियां की जाएंगी, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर इनेबल कर देना है। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त से किए आपको 3 तब्दीलियों के बारे में बताते हैं। पहले T20 मैच में शदाब खान बाहर होंगे। शदाब खान मुसलसल खराब परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को जीत में हिस्सा नहीं डाल रहे, इसलिए शदाब खान की जगह पे न्यू स्पिनर उस्मान कादिर को मौका दिया जाएगा। उस्मान कादिर जबरदस्त गूगली के साथ दूसरा भी करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और तब्दीलियां की जाएंगी। दूसरी जो तब्दीली होगी उसके बारे में मिसबॉल हक का कहना है कि पेस बैटरी मोहम्मद हसनैन, जो कि ऑस्ट्रेलिया पिचेस के लिए बहुत ही तेज गेंद फेंकते हैं, वो वहाब रियाज की जगह पे अपनी टीम का सहारा बनेंगे। कैंगरूज को दबोचने के लिए शहीनू को फुल प्लेन के साथ जाना होगा और मोहम्मद हसनैन को कुछ ज्यादा तेज गेंदें करके कुछ विकटें हासिल करके शुरू में कैंगरूज पर दबाव डालना होगा। इसके साथ ही हम T20 सीरीज जीत सकते हैं। मोहम्मद हसनैन में यह सलाहियत है कि वो 150 प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड से बॉल कराते हैं। इसके अलावा तीसरी तब्दीली के बारे में अगर बताएं तो ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद को एक बार रेस्ट देकर जबरदस्त न्यू टैलेंटेड बैट्समैन खुशदिल शाह को मौका दिया जाएगा। खुशदिल शाह ने पाकिस्तान में खेले गए वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, जिसकी वजह से खुशदिल शाह को मौका दिया गया। नसीम शाह को T20 में नहीं रखा गया। अगर नसीम शाह को T20 में मौका दिया जाता तो पेस बैटरी इनकी बहुत तेज है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते थे। लेकिन 3 तब्दीलियां कन्फर्म कर दी गई हैं, जिनमें उस्मान कादिर को शामिल किया गया है, हसनैन को, और इसके अलावा खुशदिल शाह को मौका दिया जाएगा, वहाब रियाज, शताब खान, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद को बेंच पर बैठना पड़ेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अलानी के बान।